द न्यू टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? दैट इज अपोजिज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू आउट द कंडक्टर. इट अपोजिज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू आउट द कंडक्टर. जब आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, जब आप करंट के फ्लो को अपोज करते हैं, रोकते हैं. तो जब करंट का फ्लो अपोज होता है, रुकावट होती है उसमें, उसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं. इसका फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल्स टू वी अपॉन आई. ये आया कैसे है? ओम्स लॉ की इक्वेशन आपने की होगी. V इज़ डायरेक्टली पोर्शन टू I. V इक्वल्स टू आई आर, और R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी V अपॉन I. इट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर to the current flowing through it. It is the ratio of potential difference applied across the ends of the conductor to the current flowing through it that is called electrical resistance of the conductor. अब इसके यूनिट क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के? हमने फॉर्मूला पढ़ा है R equals to V upon I. तो R के यूनिट्स क्या होंगे? 1 ओम होंगे, और V के यूनिट्स 1 वोल्ट होंगे, और करंट के यूनिट्स क्या होंगे? एम्पेयर में होंगे. तो 1 ओम क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर. तो अगर आपको पेपर में आती है कि 1 ओम की डेफिनेशन क्या होती है, 1 ओम होता क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर थ्रू विच करंट कितना पास हो रहा है? 1 एम्पेयर फ्लोज, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई हो रहा है? 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. तो 1 ओम की डेफिनेशन आ जाएगी, इट इज़ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर थ्रू विच करंट 1 एम्पेयर फ्लोज व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. अब इसके डायमेंशंस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं. आर क्या होता है? वी अपॉन आई. वी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कितना वर्क डन अप्लाई हुआ है और कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो हुआ है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. कितना वर्क डन अप्लाई होने पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज अक्रॉस द कंडक्टर फ्लो हो रहा है, और करंट को हम करंट ही लेंगे. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? M1L2T-2, और चार्ज क्या होता है? क्यू इक्वल्स टू IIT. तो I क्या होता है? Q, जो करंट का फॉर्मूला होता है दैट इज I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है. तो Q क्या हो जाएगा? I मल्टीप्लाई T हो जाएगा. तो I क्या होता है? एम्पेयर. T होता है टाइम. करंट होता है एम्पेयर. सब कटिंग करके आपके पास आ जाएगा M1L2T-3A-2. तो ये आपके पास फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा. अब क्या कारण होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर का? कि जो रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टिंग वायर्स है ऑन अकाउंट ऑफ फ्रीक्वेंट कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द आयन्स और एटम्स ऑफ द कंडक्टर ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड्स ऑफ द कंडक्टर. कि रेजिस्टेंस क्या कह रहा है? कि ये आपके पास कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब करंट आप अप्लाई करते हो और जब करंट फ्लो होना शुरू होता है अक्रॉस द वायर, अक्रॉस द कंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होती है? मूवमेंट आ जाती है, और एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन पे, और इसमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाती है. दिस वुड डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द कंडक्टिंग मटीरियल. अब ये डिपेंड करता है कि जो कंडक्टिंग मटीरियल है या जो वायर है, वो आप कौन सी वायर इस्तेमाल कर रहे हो. सिल्वर वायर आप यूज़ कर रहे हो या कॉपर वायर यूज़ कर रहे हो, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है. और क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द कंडक्टर क्या है. नेचर ऑफ द कंडक्टर मीन्स मटेरियल आप कौन सा यूज़ कर रहे हो. एनी मटेरियल विच ऑफर्स ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट. कोई भी मटेरियल अगर अपोज या रेजिस्टेंस ऑफर करता है आपको, फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्टेंस ऑफर करता है कोई भी मटेरियल, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टर. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टर बोलते हैं. कोई भी मटेरियल अगर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है
or to the for the flow of current, that is called a resistor. Okay.